बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर आए दिन खबरें आती रहती है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बाद शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर के ऊपर ड्रग्स लेने का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते रविवार को सिद्धांत कपूर रात में पार्टी में ड्रग्स लेते हुए पाए गए। इसके बाद उन्हें अब हिरासत में ले लिया गया है। अब इन सारे मामलों के बाद सिद्धांत कपूर के पिता शक्ति कपूर का बयान आया है। शक्ति कपूर ने ज्यादा बात ना करते हुए सिर्फ यही कहा है कि ये संभव नहीं है। तो शक्ति कपूर को इन सारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ई टाइम्स से बात करते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये सब संभव नहीं है। ई टाइम्स के मुताबिक सिद्धांत रविवार को मुंबई से बेंगलुरु के लिए निकले थे और उसी रात देर रात तक पार्टी हुई। कपूर फैमिली वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सिद्धांत किसी होटल में ठहरे हुए है। बेंगलुरु पुलिस ने पुष्टि की है कि सिद्धांत कपूर उन 6 लोगों में शामिल थे जिन्हें कथित तौर पर ड्रग्स लेते हुए पाया गया। पुलिस ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की कि इन 6 लोगों ने पहले ही ड्रग्स लिया हुआ था और पार्टी में पहुंचे थे या उन्होंने होटल में ही ड्रग्स लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिद्धांत कपूर का ड्रग सैंपल पॉजिटिव आया है और उन्हें उलसुर पुलिस स्टेशन लाया गया है। तो ड्रग्स का ये मामला कोई नई बात नहीं है, आते दिनों बॉलीवुड में तो ये चलता ही रहता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी ज्यादा अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर सकूं।